नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 मई शनिवार दोपहर 3 बजे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर की खास खबरें। श्री गंगानगर जिले में 11 और लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिला अस्पताल के PMO डॉक्टर KS कामरा ने बताया कि शुक्रवार को 11 लोगों के सैंपल लिए गए थे, इनकी रिपोर्ट मिल गई है, यह सभी नेगेटिव आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले 642 लोगों की रिपोर्ट मिल चुकी है और सभी नेगेटिव पाए गए हैं। कल जिन 11 लोगों के सैंपल भेजे गए थे उनमें 6 लोग ऐसे थे जिनकी सैंपल को दोबारा जांच के लिए भेजा गया था। पूर्व में यह लोग नेगेटिव आए थे। PMO के अनुसार 11 लोगों में से 3 की ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, वही आज 9 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में रावतसर पुलिस ने जांच आरंभ की है। पुलिस ने बताया कि रावतसर कस्बा निवासी सुमन देवी को घायल हालत में ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान रात को उसकी मौत हो गई। सुमन के पिता हरियाणा निवासी जगदीश बावड़ी ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि सुमन की शादी रावतसर निवासी खेताराम के साथ करीब 5 साल पहले हुई थी। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान कर रहे थे। उसका आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पुत्री की हत्या कर दी। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर चोरी की वारदात लगातार घटित हो रही है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि जी ब्लॉक में योगराज नामक व्यक्ति के घर में चोरी हो गई। अज्ञात व्यक्ति ताला तोड़कर मकान में घुसे और एक बाइक, 2 सिलेंडर, मोबाइल फोन आदि कीमती सामान चोरी कर ले गए। वहीं जवाहर नगर थाना क्षेत्र के SSB रोड पर सुनार की दुकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कई दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं। रामसिंहपुर पुलिस ने बताया कि लवप्रीत सिंह और मदन लाल को कस्बे में बिना मास्क लगाकर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। गढ़साना थाना पुलिस ने रोशन लाल नामक व्यक्ति को बिना मास्क लगाकर सामान बेचते हुए पकड़ा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्री गंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में बीती रात को एक वृद्ध महिला और एक अधेड़ ने अपने अपने घरों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के मामले में मर्ग दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी राजेश सियाग ने बताया कि जवाहर नगर निवासी ललित मोहन नामक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। उसका शव अपने ही मकान के चबारे में फांसी पर लटकता हुआ मिला था, वह अविवाहित था। दूसरी घटना में संजय कॉलोनी में 62 वर्षीय कुसुम नायक महिला ने अपने घर में फांसी लगा ली। भीमसेन नामक व्यक्ति की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। रिपोर्ट में बताया कि कुसुम मानसिक रूप से परेशान रहती थी। श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर के आढ़तीय व्यापारी राज्य सरकार की नई कर व्यवस्था के खिलाफ हड़ताल का बिगुल बजा चुके हैं। इस कारण श्री गंगानगर की नई धान मंडी में भी वीरानी सी दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि किसानों की फसल पककर तैयार हुई तो सरकार ने लॉकडाउन के बीच में ही नियमों में संशोधन किया और व्यापारियों से फसल खरीदने का निर्णय लिया। इसके तहत व्यापारियों को दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से बसों का संचालन होने के बाद से ही यात्री भी अब भारी संख्या में यात्रा करने लगे हैं। पहले 7 बसों का संचालन हो रहा था जिनकी संख्या बढ़ाकर 14 कर दी गई। इसके उपरांत भी बस स्टैंड पर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या वेटिंग में कम नहीं हो रही है। 2 दिन पहले ही प्रशासन ने जिले की सीमा में चलने वाली बसों की संख्या को 2 गुना कर दिया था। श्री गंगानगर शहरी क्षेत्र में अभी भवन निर्माण कार्य औपचारिक रूप से आरंभ नहीं हो पाए हैं। नगर परिषद की ओर से इसकी अनुमति जारी नहीं की गई है। भवन निर्माण कार्य की अनुमति अगर नगर परिषद जारी करती है तो इससे श्रमिकों को सीधे कार्य मिल सकता है, जिससे पलायन की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। बीकानेर जिले के जसरासर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और मासूम पुत्र की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही थाना अधिकारी उदयपाल व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में ले लिया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार जसरासर क्षेत्र में 38 साल की सुमन और उसके 11 साल के पुत्र आयुष की हत्या करने के उपरांत उसके पति सुरेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। IG जोस मोहन ने एक आदेश जारी कर आज 2 पुलिस निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। धीरेन्द्र सिंह शेखावत, जो हनुमानगढ़ जंक्शन में SHO थे, को चूरू स्थानांतरित कर दिया गया है। इसी तरह से चूरू में नियुक्त नरेश गेरा को हनुमानगढ़ भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार IG जोस मोहन ने लॉकडाउन के बीच में ही 2 थाना अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया है। यह आदेश बीती रात जारी किए गए। बीकानेर रेंज में IG जोस मोहन ने आज प्रातः हनुमानगढ़ जिले में संगरिया थाना क्षेत्र से लगते पंजाब बॉर्डर को देखा तथा पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने के लिए आवश्यक आदेश दिए।
इसके उपरांत वे हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो गए। ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिन पहले कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हुए आदेशित किया था कि अंतर्राज्यीय सीमा पर आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। बीकानेर जिले के लोनकरनसर थाना पुलिस ने शराब से भरी बोलेरो को बरामद किया है। थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि रात को नाकाबंदी कर रखी थी, उसी दौरान सूचना मिली थी कि एक बोलेरो में शराब भरकर कुछ लोग जा रहे हैं, इसके आगे एक बाइक भी चला रहा है। सूचना के बाद क्षेत्र में सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया। इस दौरान सुरनाना रोड पर एक बोलेरो को रोककर तलाशी ली तो उसमें 30 पेटी देसी शराब की भरी हुई मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि पूनमचंद सुथार निवासी दुलमेरा, विक्रम धामू निवासी दुलमेरा, नरेंद्र कुमार निवासी दुलमेरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ पदमपुर बाईपास पर एक खेत में आग लग गई। इसकी सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार साहूवाला गांव के नजदीक गेहूं की फसल निकालते समय अचानक आग लग गई। आग से काफी नुकसान हुआ है। मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठे हो गए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।